वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। और आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ेदार गाइस। ये है बैलून बंद, जिनको भरना बेहद आसान है। सिंपली क्या करना होता है, टैप के नीचे लगा देना और ये बंद जो भर जाते हैं, इनमें ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वहीं बात करें इन सब बैलून की, यार इनको भरने में जो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, कई बार बैलून फट जाते हैं, टैप में लगने पर भी फट जाते हैं और कुल मिला के काफ़ी टाइम भी लगता है। तो आज ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप जो बहुत आसानी से इन सब बैलून को भर सकते हैं। बहुत सिंपल सी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो गाइस आपने एक काम से जो कर देना है, यहाँ पर आपने जो वीडियो कर देना लाइक और शेयर कर देना दोस्तों के साथ। साथ चैनल पर हो तो प्लीज चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब। सो गाइज यहाँ पर हमें चाहिए एक पैन, सिंपल पैन है गाइज, इसका रिफिल निकाल देंगे और जो गाइज पैन को हाफ से काट देंगे, ऑलमोस्ट हाफ से, और नीचे की तरफ जो पॉइंट है ना बारीक सा, इसको हल्का सा हाफ काट देंगे। ऑलराइट, कट कर देते हैं फटाफट से। पहले इसको गाइज हाफ में से तो कट कर दिया है, बट नीचे की तरफ जो बेस है, ये पॉइंट है जो, इसको हाफ कट करेंगे। ऑलराइट, इसको हाफ कर लेते हैं गाइज। ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, दोनों तरफ से हमने इसको कट कर लिया है। अब क्या करना है, सिंपली जो टैप के अंदर से कुछ इस तरह से लगाएंगे इसको नलके के अंदर, और जो ऊपर से यहाँ पर टेप रोल से टेप इसके ऊपर से चिपका देंगे। तो फटाफट से टेप चिपका देते हैं इसके ऊपर। सो गाइज टेप को कुछ इस तरह से लगाएंगे, पहले टैप की ऊपर की तरफ से लगाएंगे और नीचे की तरफ रोल करते हुए इसको लेके आएंगे, ताकि इसमें यहाँ पानी जो बिल्कुल भी लीकेज ना हो। यहाँ पर चार पाँच लेयर इसकी लगा देंगे, उसके बाद जो गाइज ये पूरी तरह से यहाँ पर रेडी हो जाएगा। सिंपली देखो, अब यहाँ से जो बिल्कुल भी पानी यहाँ पर जो लीक नहीं होने वाला, और यहाँ के ऊपर हमने चार पांच लेयर लगा दी थी। अब कट कर देते हैं इसको गाइज। अब ये रेडी हो चुका, अब भर के देखते हैं बैलून कितनी आसानी से और कितनी तेज़ी से भरेंगे गाइज। सिंपली यहाँ पर जो एक बैलून ले लेना, और इस तरह से बैलून ले लेंगे और इसको जो पैन का है, पैन के ऊपर कुछ इस तरह से जो हमने बनाया है इसका, इसके ऊपर इस तरह से लगा देना। ऑलराइट, और सिंपली बैलून को दोनों साइड से पकड़ लेना एक हाथ से बस। उसके बाद जो टैप ऑन कर देंगे भाई, जैसे ही आप टैप ऑन करेंगे ना, यहाँ पर जो बैलून भर जाएगा, और साथ ही देखो कितनी इजीली तो भर चुका है यहाँ पर, और साथ ही जो कितना लंबा भी हो गया नीचे की तरफ से, तो यहाँ से आप गांठ भी बड़ी आसानी से इसमें लगा पाएंगे। देखो ये लो। सो फाइनली देखो गाइस, इसमें गांठ भी लग चुकी है, और यहाँ पर बाल्टी के अंदर मैंने पानी भरा हुआ, इसके अंदर ही मैंने इसको छोड़ दिया। ऑलराइट, एक बैलून यहाँ पर भर चुका, तो बाकी के बहुत सारे बैलून यहाँ पर भरते हैं, कितनी जल्दी भरे जाएंगे देखो फटाफट से। सो गाइज ये थी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक, जिससे हमने यहाँ पर जो 5 से 7 मिनट के अंदर इतने सारे जो बैलून यहाँ पर भर लिए, यार जिनको भरने में बहुत कम टाइम लगा, ना के बराबर लगा, और जो यहाँ पर जो बैलून भी हमारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुए। और मैं चाहूँगा कि आप इस ट्रिक को जरूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली, क्योंकि यहाँ पर ना के बराबर ही टाइम लगता है। तो गाइज वीडियो पर लाइक करना मत भूलेगा, और हम एम कर रहे हैं इस वीडियो पर गाइज 1 मिलियन लाइक का, मुझे लगता है आप लोग जरूर करा देंगे। और साथ ही गाइज जो वीडियो को आप शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस फ्यूचर में और भी अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।